हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में फिर खिला है कमल। बीजेपी उम्मीदवार युवराज सिंह 17,500 वोटों से जीते। पहले राउंड से ही लगातार वो आगे चल रहे थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर, जहां पर एक बार फिर कमल खिला है। बीजेपी उम्मीदवार युवराज सिंह 17,500 वोटों से उन्होंने ये सीट जीत ली है। युवराज सिंह की अगर हम बात करें, पहले भी विधायक रह चुके हैं, एमएलसी भी रहे हैं 2003 से 2010 तक, और अब हमीरपुर में उपचुनाव में जब उन्हें मौका मिला तो बीजेपी के उम्मीदवार युवराज सिंह हमीरपुर में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे और आखिरकार जीतने में कामयाब रहे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र निगम जुड़ गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रविंद्र, बीजेपी के उम्मीदवार युवराज सिंह की बात करें तो पहले राउंड से ही उन्होंने लगातार बढ़त बनाए रखी और आखिरी राउंड तक ये बढ़त बरकरार रही और जीतने में कामयाब रहे। जी रविंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रविंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। बीजेपी उम्मीदवार युवराज सिंह की हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 23 सितंबर को मतदान हुआ था, 50% से थोड़ा कम मतदान हुआ था और कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। आखिरकार जब नतीजे सामने आ गए हैं और इस नतीजों के तहत बीजेपी के उम्मीदवार युवराज सिंह हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में जीतने में कामयाब रहे। हमीरपुर विधानसभा में एक बार फिर से कमल खिला है। उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। युवराज सिंह के अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें तो पहले भी विधायक रह चुके हैं और 2003 से 2010 तक एमएलसी भी रहे हैं। इस बार लगातार जोर आजमाइश भी हो रही थी, कई नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरकार युवराज सिंह को हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया और वो जीतने में कामयाब भी रहे। नतीजे सामने आ चुके हैं। रविंद्र निगम एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। रविंद्र, पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक बढ़त बरकरार रही, आखिरकार जीत हुई। जी बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से बीजेपी की जो बढ़त रही, पहले क्योंकि इतने मतदान प्रतिशत कम होने के बावजूद भी बीजेपी पहले स्थान पर रही और शुरुआत से मतगणना जब जैसी स्टार्ट हुई और उसने बढ़त बढ़ानी चालू हुई और हर एक राउंड में वो जो है अपनी बढ़त बनाती गई। लगभग 17,500 वोटों से युवराज सिंह विजयी घोषित हुए और वहीं दूसरे नंबर पर सपा रही। जी रविंद्र, युवराज सिंह के पिता भी विधायक रहे हैं, युवराज सिंह पहले भी खुद विधायक रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, और अगर उनके राजनीतिक करियर में नजर डालें तो हमीरपुर में उनका अच्छा खासा एक पकड़ उनकी रही है और यही कारस्ता है कि उनकी पकड़ वोटों में तब्दील हुई और जीत उनके पक्ष में रही। जी बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से बीजेपी ने युवराज सिंह को चुना तो ये जरूरी था क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल था उसमें जो ठाकुर, क्योंकि पहले भी जो विधायक थे वो ठाकुर जाति से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारा वो ठाकुर जाति का उतारा, जिससे जीत बिल्कुल तय हो गई। और युवराज सिंह वैसे भी एक जमीनी नेता है, हर जगह जाते हैं, हर जनता से मिलते हैं, तो उनका जीतना तय था। हाँ रविंद्र, अगर अपडेट मिल पा रहे हो, क्या ये जानकारी सामने आ पाई है एसपी बीएसपी कांग्रेस को कितने वोट मिले और कहा जाता है कि लगातार चुनौती तो दे रहे थे लेकिन पिछड़ गए? जी दिव्यांश, पहले स्थान पे तो बीजेपी रही, सेकंड दूसरे स्थान पर जो है सपा और तीसरे में कांग्रेस और चौथे स्थान पर बसपा रही। चूंकि अभी जो है फाइनल जो हम लोगों को जानकारी मिलती वो नहीं मिल पाई है, लेकिन जीत घोषित कर दी गई है और अच्छा खासा उत्साह सब भाजपा समर्थकों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। रविंद्र, बीएसपी और एसपी के रास्ते अलग हो गए थे लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद, रार तकरार बढ़ गई थी
और दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारने का मैदान में फैसला किया। लगता है उनकी रणनीति भी कामयाब नहीं हो पाई और बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जीत पर जीत हासिल करती आ रही है, इन उपचुनावों में भी साबित हो गया कि इस वक्त जनता पूरी तरह से योगी सरकार के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है। जी बिल्कुल, मेरी बात जो है सपा प्रत्याशी मनोज प्रजापति से भी हुई, बीएसपी कैंडिडेट नौशाद अली से भी, तो उन्होंने साफ तौर पर माना कि इस समय जो परचम लहरा रहा है, भाजपा परचम लहरा रही है, उसका जीतना तय था और हमें अपनी हार हमें स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने अपनी हार स्वयं स्वीकार की और जो है बीजेपी विधायक को उन्होंने बधाई दी। जी रविंद्र, पिछले उपचुनावों पर अगर नजर डालें तो देखने में यही आया था कि बीएसपी कहीं ना कहीं इन उपचुनावों से किनारा करती थी और या फिर समर्थन देती थी, लेकिन इस बार उसने खुद अपना उम्मीदवार उतारा। बीएसपी के पास जो जिन मुद्दों के साथ उतरी थी, क्या कमजोरियां रह गई, क्या खामियां रह गई? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी जो है अपना वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक होता है वो उनका बंटवारा हुआ, क्योंकि निषाद कांग्रेस से उतरे, प्रजापति सपा से उतरे, तो जो उनका वोट बैंक था वो कई जगह विभाजित हुआ और कुछ बीजेपी को भी मिला है, जिसके चलते वो हमीरपुर जो विधानसभा 228 है वहां पर बीएसपी कम। जी रविंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट कर दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि हमीरपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार युवराज सिंह की जीत हुई है। दूसरे नंबर पर एसपी के उम्मीदवार मनोज प्रजापति रहे हैं। कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी मैदान में थे। दिलचस्प बात यह थी इन उपचुनावों में कि बीजेपी के साथ साथ एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने भी अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। भाकपा ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था। सवाल यह था कि लड़ाई दिलचस्प रहेगी, जब नतीजे सामने आएंगे तो क्या चुनौती दे पाएंगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चुनौती देने में विपक्षी पार्टियां नाकामयाब रहीं और बीजेपी के युवराज सिंह हमीरपुर के वोटरों के दिल पर राज करने में कामयाब रहे। रविंद्र निगम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, क्या आपकी बात अभी तक युवराज सिंह से हो पाई, क्या कुछ रिएक्शन आ पाया उनकी तरफ से? जी, बात हुई युवराज से, बात हुई दिव्यांश, उन्होंने बताया कि ये जीत जो है मेरी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत बीजेपी को समर्थन देने वाले जिन्होंने मतदान किया है उनकी जीत है और मैं जिन मुद्दों को लेकर आया हूँ उन मुद्दों को जरूर ही पूरा करूंगा और जो कोशिश करूंगा कि जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करूँ। जी जी बिल्कुल रविंद्र, अभी और उपचुनाव भी होने हैं जल्दी और चैलेंज बहुत बड़ा है एसपी बीएसपी के लिए, क्या ये ट्रेलर है उससे पहले? जी बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से आगामी दिनों में उपचुनाव की घोषणा हुई है वहां पर भी बीजेपी के लिए बड़ा ही अच्छा और ये एक टेलर, मान के चलिए एक टेलर है वहां के लिए, जो दूसरी पार्टियों के लिए जो वहां पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। चलिए रविंद्र निगम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार युवराज सिंह की जीत हो गई है, 17,500 वोटों से जीते हैं। पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक युवराज सिंह ने बढ़त बनाए रखी और ये बढ़त आखिरकार जीत में भी तब्दील हो गई। दूसरे नंबर पर एसपी के उम्मीदवार मनोज प्रजापति रहे।